अस्सलाम वालेकुम बच्चों जी, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं? हाँ भाई, कल जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी डोली की, कहानी सुनी थी ना, मज़े की थी ना? फिर क्या किया था? सुनाया था दोस्तों को अपने, सुनाई थी। कैसी लगी उन्हें कहानी? अच्छी लगी ना, मज़े की कहानी थी। आपने बताया बाहर के मौसम के बारे में कि बाहर का मौसम क्या होता है, बताया था उनको, ज़बरदस्त। और टीचर को बताया था, टीचर को भी कहानी सुना दी थी। वेरी गुड, शाबाश, यानी कि मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं। अब हमने क्या करना है? हमने कहानी सुन ली। कहानी सुनने के बाद हम क्या करते हैं जी? हम पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ाई की कोशिश करते हैं कि भाई जो कहानी मैंने आपको कल सुनाई थी, आपने मुझसे सुनी थी, आपके समझ में आई थी, आपको अच्छी लगी थी, उसको आप खुद से भी तो पढ़ सकें जी। मेरे दोस्तों को कहानी खुद से पढ़ने आए, उसके लिए क्या होता है, मैं आपकी मदद करती हूँ, आपको बताती हूँ कि भाई पढ़ाई कैसे होती है, कैसे पढ़ा जाता है ना भाई? तो उसके लिए क्या करेंगे हम अपनी बुक का जी उर्दू सिलसिला साल अव्वल का पेज नंबर निकालेंगे 32, और सफ़ा नंबर 32 पे देखेंगे हमारे पास मौजूद है सफ़ा जिसमें डोली मौजूद है, बाब नंबर 5 मौजूद है। इसमें हम पढ़ाई की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, और पढ़ने के लिए हम क्या टेक्निक यूज़ करते हैं, कैसे हम जो है वो जल्दी 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 पढ़ लेते हैं, कैसे पढ़ते हैं भाई जी? इसमें क्या होता है कि 3 दफ़ा एक लफ्ज़ को मैं पढ़ती हूँ, आप वर्ड से सुनते हैं, और फिर उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, और इस तरह देखते ही देखते आप पूरे पूरे जुमले पढ़ने लगते हैं ना भाई। चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपना सबक। बाब नंबर 5, डोली, 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 बाग, 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 रिपीट करें मेरे साथ, शाबाश, बाग, बाग, में, 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 सब, 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 मज़े से, मज़े से, मज़े से, जी शाबाश, पढ़ें मेरे साथ, मज़े से, मज़े से, खेल, 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 रहे थे, रहे थे, रहे थे, बाग में सब मज़े से खेल रहे थे, कोई, 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 तेज, 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 भाग, 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 रहा था, रहा था, रहा था, कोई तेज तेज भाग रहा था, तो, 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 कोई, 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 फूलों, 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 पर, 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 उड़ रहा, उड़ रहा था, 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 तो कोई फूलों पर उड़ रहा था, डोली, 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 का, दिल, 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 चह रहा, चह रहा, चह रहा, था, 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 के वो, के वो, शाबाश, मेरे साथ रिपीट करते रहे, दोहराते रहिए, भी, 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 शाबाश, खेले, 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 मगर, 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 ना ही, ना ही, ना ही, उसकी, 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 लंबी, 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 शाबाश, दोहराइए मेरे साथ, टांगे, 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 थी, 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 के वो, के वो, भाग सके, भाग सके, भाग सके, और, ना ही, ना ही, ना ही, पर थे, पर थे,
पर थे कि वो कि वो कि वो उड़ सके उड़ सके उड़ सके, मगर ना ही उसकी लंबी टांगें थी कि वो भाग सके और ना ही पर थे कि वो उड़ सके। मैं बहुत 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 सुस्त हूँ। जब ही मेरा कोई दोस्त नहीं। मैं बहुत सुस्त हूँ जब ही मेरा कोई दोस्त नहीं। डोली ने उदासी से सोचा। डोली ने उदासी से सोचा। वो धराइए मेरे साथ शाबाश। रोने लगी। रोते उस पर एक झिल्ली बनी। और वो उसमें सो गई। रोते उस पर एक झिल्ली बनी और वो उसमें सो गई। शायद धराइए शाबाश। सुस्त डोली मर गई है। एक टिड्डी ने शहद की मक्खी से कहा। एक टिड्डी ने शहद की मक्खी से कहा। चलिए जी बच्चों, आज हमने यहाँ तक अपना सबक पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे, इस सबक में मौजूद कुछ नए लफ्ज़ को अंडरलाइन करेंगे और उन खत कशीदा अल्फाज को अपनी कॉपी पे 5 से 6 दफ़ा लिखने की कोशिश करेंगे ताकि हमें अच्छे से वो अल्फाज लिखने आ जाएं। ठीक है जी, मैं आपको कुछ अल्फाज बता रही हूँ, आप उन पर अंडरलाइन कर लें, उनको खत कशीदा कर लें। बाग बाग बाग, ठीक है। खेल खेल खेल। भाग भाग भाग। लंबी लंबी लंबी। टांगें टांगें टांगें। सुस्त सुस्त सुस्त। दोस्त झिल्ली झिल्ली झिल्ली। टिड्डी। शहद की मक्खी। जी, अब आपने क्या करना है, इन सारे अल्फाज को अपने कॉपी पे 5 से 6 दफ़ा लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, इसके बाद अपनी वीडियो को बार बार देखेंगे ताकि आपको अच्छे से ये सबक पढ़ना आ जाए, आप समझ में आ जाए कि कैसे लफ्ज़ों को पढ़ा जाता है, समझा जाता है और चैप्टर कैसे कंप्लीट होता है। कल हम बाकी सबक को पढ़ने की दोबारा कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।